नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल चार्ट विथ ट्रेड। इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक के लिए मैं दो स्टॉक सिलेक्शन किया हूं और इन दोनों स्टॉक का हम डिटेल्स में प्राइस एक्शन को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि दोनों स्टॉक का चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग सेटअप शो कर रहा है, जिसकी वजह से प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में अपसाइड की तरफ मूवमेंट हो सकता है। उससे पहले, अगर अभी तक आप चार्ट विथ ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस हफ्ते का जो पहला चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक है, स्टॉक का नाम है मदर सन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। एंड आपका स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन है मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड का, एंड टाइम फ्रेम यहां पे मैं सिलेक्ट किया हूं वीकली। देखिए, इस स्टॉक का एनालिसिस करने से पहले मैं आपको हिस्टोरिकली कुछ केस स्टडी दिखा देता हूं। पहला केस स्टडी हो गया अरविंद लिमिटेड का। देखिए, अरविंद लिमिटेड में एक बड़ा टाइम फ्रेम में यहां पे कॉप एंड हैंडल पैटर्न कंस्ट्रक्ट हुआ था, जैसे कि अभी एम सुमी में कंस्ट्रक्ट हुआ है। कॉप एंड हैंडल पैटर्न के लिए जो नेक लाइन था, ये ब्लू लाइन था। लेकिन देखिए, यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड चैनल को जो प्राइस यहाँ पे ब्रेक किया था ना, यहाँ पे एंट्री हम कर सकते थे। एंड उसके बाद देखिए, कंटिन्यूएशन मूव देखने को मिल रहा है, लेकिन जो सीएनपी पैटर्न कन्फर्म हुआ था इस लेवल के ऊपर। और एक केस स्टडी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, आपके स्क्रीन के सामने चार्ट ओपन हुआ है टाटा मोटर्स का, टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। तो देखिए, यहाँ पे कॉप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ है, लेकिन जो सीएनपी का जो नेक लाइन था, ये ब्लू लाइन था। लेकिन उससे पहले देखिए, प्राइस जो यहाँ पे डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो किया था, यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया था। और उसके बाद लैटर जाकर जो सीएनपी का नेकलाइन है, प्राइस उसको ब्रेकआउट किया था। तो जो डाउन ट्रेंड चैनल को ब्रेक करने के बाद हम एंट्री कर सकते हैं, जब भी सीएनपी पैटर्न कंस्ट्रक्ट कर रहा होगा प्राइस, और जब भी नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद वहां पे क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं। और एक केस स्टडी मैं आपको दिखाता हूं। आपके स्क्रीन के सामने चार्ट ओपन हुआ है महाराष्ट्र स्कूटर का, और टाइम फ्रेम यहां पे सिलेक्ट हुआ है वीकली। तो प्राइस देखिए, यहां पे कंस्ट्रक्ट किया था एक कॉप एंड हैंडल पैटर्न, और देखिए एक डाउन ट्रेंड चैनल को प्राइस यहां पे फॉलो कर रहा था। इस चैनल का ब्रेकआउट के बाद हम यहां पे एंट्री कर सकते थे, और जैसे ही प्राइस जो सीएनपी पैटर्न का नेकलाइन को ब्रेक किया है, वहां पे ऐड कर सकते थे। तो देखिए, केस स्टडी से अभी पता चल रहा है कि जब भी प्राइस सीएनपी पैटर्न कंस्ट्रक्ट कर रहा होगा ना, प्राइस डाउन ट्रेंड चैनल को ब्रेक करेगा, वहां पे हम एंट्री अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। और जैसे ही सीएनपी पैटर्न का नेक लाइन को प्राइस ब्रेक करेगा, वहां पे क्वांटिटी को एडिशन कर सकते हैं, जो कि एग्जैक्टली अभी एम सुमी का चार्ट पैटर्न में शो कर रहा है। तो आपके स्क्रीन के सामने देखिए, अभी मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड का चार्ट ओपन हुआ है, एंड टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है वीकली। अगर आप इस स्टॉक का चार्ट सेटअप देखेंगे, प्राइस देखिए क्लियर कट यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा है एक कॉप एंड हैंडल पैटर्न। ए हो गया उसका कॉप एंड ए हो गया उसका हैंडल, जिसका नेकलाइन बन रहा है ए रेड लाइन, जो कि बन रहा है नियरली 68 के आसपास। जैसे ही प्राइस यहाँ पे जो रेड लाइन जा रहा है ना, इस नेकलाइन को ब्रेक करेगा, 68 के ऊपर क्लोजिंग आएगा, तो यहाँ पे जो सी एंड पी पैटर्न कंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो ट्रिगर बन जाएगा, एंड नेक्स्ट स्टॉक का प्राइस 100 तक भी जा सकता है। लेकिन उससे पहले देखिए, प्राइस यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चैनल को ब्रेक किया है विथ रेंज के साथ। तो देखिए क्लियर कट, जैसे कि अभी हम तीन केस स्टडी देखे थे, जब भी प्राइस सीएनपी पैटर्न कंस्ट्रक्ट कर रहा होगा ना, सीएनपी पैटर्न को ट्रिगर करने से पहले प्राइस एक डाउन ट्रेंड चैनल को ब्रेक कर लेता है। अगर उसी डाउन ट्रेंड चैनल के आसपास हम एंट्री कर लेंगे ब्रेकआउट के बाद, तो हमारे लिए वहां पे थोड़ा सा बफर जोन मिल जाएगा। तो क्लियर कट देखिए, एक कॉप एंड हैंडल पैटर्न है, एंड उसका जो डाउन ट्रेंड था ना, उसको प्राइस यहां पे ब्रेकआउट कर चुका है, क्योंकि प्रीवियसली यहां पे कोई भी ग्रीन कैंडल स्ट्रांग नहीं बना था वीकली टाइम फ्रेम में, इसलिए हम कंसीडर नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी देखिए, यहां पे एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल बन चुका है, हाई प्रोबेबिलिटी कि आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस जो सीएनपी का जो नेकलाइन है, उसको ब्रेकआउट कर सकता है, और जो ब्रेकआउट करके क्लोजिंग देगा 68 के ऊपर, उसके बाद हम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। एंड इसी केस में जो स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे जो स्विंग लो बना है बिलो 59, हम स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं बिलो 59। यहाँ पे एग्जिट पॉइंट डिसाइड करके इसको प्ले कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस 100 तक जाएगा, एंड जब भी स्टॉक का प्राइस एक बार अप ट्रेंड एस्टेब्लिश कर लेता है, अपसाइड तो नो लिमिट है, नेक्स्ट आपको वहाँ पे ट्रेल करना है। एंड प्रोबेबिलिटी हाई है कि जो सी एंड पी पैटर्न है, वो एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे नेकलाइन को ब्रेक करेगा, वहाँ पे क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं। तो स्टॉक को आपके रडार में रखिएगा। तो अगर फिबोनाची एक्सटेंशन के थ्रू टारगेट निकालना चाह रहे, तो यहां पे मैं फिबोनाची को प्लॉट कर लेता हूं, हाई को लो के साथ जॉइन कर लेता हूं, तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा 2.618 का 102, देखिए ए होगा उसका मेजर टारगेट, और नेक्स्ट टारगेट बनेगा 124, जो कि 3.618 का। तो यहाँ पे 102 एंड 124, इस दोनों टारगेट के लिए लॉन्ग किया जा सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ बिलो 59, जो कि वीकली टाइम फ्रेम में उसका प्रीवियस स्विंग लो है, इस स्विंग लो के नीचे। उसके साथ सेल्स एंड नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। इस हफ्ते का जो नेक्स्ट चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक का नाम है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स।
जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने देखिए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का चार्ट सेटअप ओपन हुआ है। प्राइस देखिए यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा था एंड डाउन ट्रेंड चैनल को स्ट्रांगली यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है विथ स्ट्रांग बुलिश मारूबाजू कैंडल के साथ। एंड जिस टाइप का अभी सेटअप शो कर रहा है प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस जो यहाँ पे लाइव हाई है उसको टेस्ट कर सकता है, जो कि बन रहा है नियरली 800 के आसपास आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है एंड एक बुलिश साइन यहाँ पे शो कर रहा है। एंड स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे जो उसका प्रीवियस स्विंग लो बन रहा है बिलो 356, जो यहाँ पे स्विंग लो बन रहा है इस स्विंग लो के नीचे हम स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस मेजर करेंगे परसेंटेज वाइज तो नियरली 20% के आसपास बनेगा, लेकिन आपको एक पॉइंट के ऊपर कभी भी फुल्ली क्वांटिटी नहीं लेना है। देखिए यहाँ पे बिग इन्वेस्टर भी ना जिनके पास 1000 करोड़ है वो भी डिफरेंट लॉट में स्टॉक को बाय करते हैं, तो अभी कुछ लीजिएगा नीचे आएगा तो ऐड कीजिएगा, ऐसे करके एवरेज को नीचे लाने की कोशिश कीजिएगा एंड स्टॉप लॉस बनेगा बिलो 356 जो उसका प्रीवियस स्विंग लो है। उसके साथ अगर रैशो चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे रैशो चार्ट से भी सिग्नल देखने को मिल रहा है। रैशो चार्ट जो है उसका डाउन ट्रेंड चैनल का लोअर बाउंड्री के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है, इसलिए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स वर्सेस निफ्टी 500 का रैशो चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। एंड रैशो चार्ट क्या है एंड आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसी वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए क्लियर कट यहाँ पे रैशो चार्ट एक डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा है। प्राइस जब भी चैनल का अपर बाउंड्री के आसपास जा रहा है प्राइस को अंडर परफॉर्मेंस मिला है एंड लोअर बाउंड्री के आसपास हमेशा से आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। एंड एग्जैक्टली देखिए इस चैनल का लोअर बाउंड्री के आसपास यहाँ पे रैशो चार्ट आने के बाद यहाँ से बाउंस कर रहा है। इसका मीनिंग है कि महिंद्रा लॉजिस्टिक जो है निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर रहा है एंड प्रोबेबिलिटी हाई है कि इमीडिएटली जो रैशो चार्ट है ना इस चैनल का अपर बाउंड्री को टेस्ट करेगा एंड यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद जैसे यहाँ पे रेंज को ब्रेक करेगा उसके बाद कपल ऑफ मंथ कपल ऑफ ईयर का आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को भी आपके रडार में रखिएगा, स्ट्रॉन्ग रैशो चार्ट में सिग्नल दिखाई दे रहा है, उसके साथ प्राइस स्ट्रक्चर भी डाउन ट्रेंड चैनल को ब्रेकआउट कर चुका है। अगर सारा पैरामीटर देखेंगे तो यहां से कंटिन्यूएशन मूव आ सकता है, लेकिन हमारा काम है हमारा क्वांटिटी को मैनेज करना है। स्टॉक मार्केट में कुछ भी कीजिएगा अगर क्वांटिटी मैनेजमेंट क्वांटिटी बैलेंस नहीं रखेंगे तो लॉस होने का प्रोबेबिलिटी है। तो क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा, रिस्क को मैनेज कीजिएगा एंड इस दोनों स्टॉक को आपका वॉच लिस्ट में ऐड कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप यहां पे शो कर रहा है। आई होप कि आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। कुछ डाउट है वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।